नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे नाभिकीय चतुर्ध्रुवी आघूर्ण यानी के न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मूवमेंट। अब तक हमने ये माना है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन इस प्रकार वितरित हैं कि उसमें गोलीय सममिति स्फेरिकल सिमेट्री बनी रहती है, अर्थात नाभिक की आकृति गोलीय है, लेकिन वास्तव में नाभिक की आकृति गोलीय नहीं है बल्कि दीर्घ वृत्तीय है। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि प्रत्येक नाभिक का कुछ परिमित चतुर्ध्रुवी आघूर्ण क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक में आवेश वितरण गोलीय न होकर दीर्घ वृत्तीय होता है। वास्तव में नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान नाभिक की गोलीय सममिति से विचलन व्यक्त करता है। यदि नाभिक का घन आवेश पूर्णतः सममित गोलीय रूप से वितरित होता है तो उसका चतुर्ध्रुवी आघूर्ण शून्य होता है। यदि नाभिक का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण घनात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि नाभिक में आवेश वितरण दीर्घ वृत्तीय है, जिसकी दीर्घाक्ष स्पिन अक्ष के अनुदिश है। और यदि नाभिक का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण ऋणात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि नाभिक में दीर्घ वृत्तीय आवेश वितरण की लघु अक्ष स्पिन अक्ष के अनुदिश है। अधिकतर सभी नाभिकों केवल कुछ द्रव्यमान संख्या के नाभिकों को छोड़कर का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण घनात्मक पाया जाता है। स्थायी अवस्था में चूंकि नाभिक के आवेश के केंद्र के चारों ओर पूर्ण सममिति होती है, अतः नाभिक का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। इस चित्र के अनुसार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पर बिंदु पी आर नॉट दूरी पर, बिंदु ए आर दूरी पर, ये इसका केंद्र है 0 0 0। एक्स वाई और जेड तीनों का मान शून्य के बराबर। इस चित्र के अनुसार बिंदु पी 0 0 आर पर जेड दिशा में नाभिक का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण क्वाड्रपोल मूवमेंट Q का मान इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा, यानी Q बराबर है Q R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। cos थीटा का मान Z अपॉन R रखने पर Q का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा Q is equal to Q 3Z square minus R square divided by 2 से हमें ये मान प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि यदि नाभिक में एक या एक से अधिक प्रोटॉन गोलीय सममिति से भिन्न होता है तो नाभिक का नेट चतुर्ध्रुवी आघूर्ण होता है। यह चतुर्ध्रुवी आघूर्ण घनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। यदि नाभिकीय आवेश स्पिन अक्ष की दिशा में लंबा होता है तो चतुर्ध्रुवी आघूर्ण घनात्मक होता है, तथा यदि नाभिकीय आवेश स्पिन अक्ष की दिशा में चपटा होता है तो चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण ऋणात्मक होता है। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि कुछ नाभिकों जैसे कि Z बराबर है 2, 8, 20, 50, 82 आदि का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण Q का मान शून्य होता है, अतः इन नाभिकों को गोलीय माना जा सकता है। इन्हें छोड़कर अन्य सभी नाभिकों का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण शून्य नहीं होता है, अतः उनमें आवेश वितरण गोलीय न होकर दीर्घ वृत्तीय होता है। चतुर्ध्रुवी आघूर्ण को चिर सम्मत रूप से निम्न इक्वेशन द्वारा लिखा जा सकता है। Q बराबर है रो 3Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय डी क्यूब आर, जहां पर रो जो है नाभिक का घनत्व होता है। तो ये था डिस्कशन नाभिकीय चतुर्ध्रुवी आघूर्ण। धन्यवाद।